हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज तुम्हारा भाई अनबॉक्सिंग करने वाला है एक टायर इन्फ्लेटर, ठीक है। और तुम्हारा भाई आज पहाड़ों में ऋषिकेश में, ठीक है। सो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। सो फटाफट से खोलते हैं, और अभी अपने पास कुछ है नहीं खोलने को, तो अपन ऐसे ही खोल लेंगे देसी अनबॉक्सिंग। असिस्टेंट प्लीज कम हियर। या What is this man? Take it. This is a bill. So, ये हमारे मुकुल भाई है, ये आज हमारी हेल्प करने वाले हैं। दिखाना इस पे लाना। भाई ये दिखाना है, तो टाइम लगने वाला है। तो यार, can I help you? Yeah. So हमारे पास है गो मैकेनिक का टायर इन्फ्लेटर, ठीक है। So इसको मंगाए हुए तो वैसे महीने भर से ज्यादा हो चुके हैं, बट आज इसकी जरूरत पड़ गई है। सो इसीलिए आज हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। सो इसमें क्या था, एक बिल था, अमेजोन की पर्ची और कुछ नहीं। ये सारी नेचुरल थिंग है, कुछ लोगों तो बिल भी आएगा और पन्नी में पैक होके आएगा। हाँ, बॉक्स में ये निकला हमारा इन्फ्लेटर, और क्या है, और वारंटी कार्ड है, मेन्यू कार्ड, वारंटी कार्ड दावे पे आया है, मेन्यू कार्ड लग रहा है। Take it bro. Yes, of course, man. So, इसका मैं आपको सबसे पहले पूरा लुक दिखाऊंगा। So, ये है हमारा इन्फ्लेटर, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या क्या है, ये है नोजल, नोजल, और इसके साथ एक फ्यूज दे रखा है, एंड टीवी लग गया भाई को। ना ना, हम करते हैं ये रहा। YouTube में चेक करना पड़ेगा कैसे खुलेगा। सो ये रही इसकी जो वायर है। सो ये गाइस इसकी वायर है, पकड़ी ब्रो, जो कि सो इसकी लेंथ तो काफी अच्छी है। सो इसको फटाफट से प्लग इन करते हैं। तो गाइस बेसिकली अनबॉक्सिंग हो चुकी है, अब मैं इसको चेक करके आपको रिव्यू देता हूं कि ये है कैसा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी इसमें 15.5 जो है इसमें PSI है। अभी इसको बढ़ाते हैं और ये हो गया ऑन, जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, पीछे ले लो तो। लाइट भी है। सो गाइस अभी जो आपने देखा वो था गो मैकेनिक का गस्टो T10 टायर इन्फ्लेटर, यस, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था ऋषिकेश में, और अभी मैं उसको रिव्यू करने वाला हूँ। और ये रिव्यू मैं तकरीबन 15 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी टाइम तक उसको यूज़ कर चुका हूँ मैं, लाइक काफ़ी बार उसको यूज़ कर चुका हूँ। और अगर बात करूँ तो मैं लाइक काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था एक टायर इन्फ्लेटर अच्छा, जो कि अच्छी रेंज में मिले और अच्छे लाइक उसके फीचर्स हों। तो मेरी नज़र इस पर पड़ी और मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ चेक किए और सब कुछ अच्छा लगा, और ये मेरे को 1299 रुपये का पड़ा था, जो कि लाइक मतलब बेस्ट है इस प्राइस रेंज में। जो इसके अंदर फीचर है, इसमें ऑटो कट दे रखा है, जो कि बिल्कुल प्रॉपरली काम करता है, जितने पे भी आप जितने PSI पे आप सेट करोगे उसके बाद ये ऑटोमेटिक पावर कट हो जाता है। और एक बार नहीं लाइक मैं 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी टाइम लाइक काफ़ी बार यूज़ किया है और हमेशा ऑटो कफ हो जाता है। और दूसरा लाइक इसमें डिजिटल डिस्प्ले है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में मिलना बहुत मुश्किल है, और लाइक यूज़ करने में भी मतलब एक बिल्कुल सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा यूज़ हो पा रहा है इसका। और लाइक जो हमारा जो फ्लैट टायर होता है उसको ये पूरा फिल करने में तकरीबन 4 से 5 मिनट इसमें लगते हैं, 4 से 5 मिनट इसमें लगते हैं। और उसके अलावा लाइक जैसे हम नॉर्मली अगर 10 PSI या 15 PSI कम है तो 2 से 3 मिनट में फिल हो जाते हैं। सो बेसिकली रिव्यू में यस मैं बोलना चाहूँगा, प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट में दम है और काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे है। मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, मेरे को 1299 का पड़ा था। तो यस, अगर आप ढूंढ रहे हो टायर इन्फ्लेटर अपनी कार के लिए और अच्छे प्राइस पॉइंट पे और अच्छे फीचर्स के साथ, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा। और
ये कोई पेड लाइक रिव्यू नहीं है, मैं बिल्कुल आपके जैसा ही हूँ। जैसे आप लोग प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो मैंने भी मंगाया, यूज किया और तभी आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइज ये जो चैनल है इस पे लाइक रिव्यू ऐसे मतलब प्रॉपरली आपको रिव्यू और अनबॉक्सिंग नहीं मिलेगी। मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, मैं व्लॉग करता हूँ और कभी अपने लाइक जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं चीजों को, प्रोडक्ट को, तो मैं मंगाता हूँ तो उनका अनबॉक्स और रिव्यू करके आपको दिखाता हूँ बिल्कुल रियल। ऑल राइट, सो गाइज इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट से बताएं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और अच्छे अच्छे और रियल रिव्यू, अनबॉक्सिंग और व्लॉग्स आप देखते रहो। और गाइज वीडियो को शेयर करना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।